हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइबॉट मॉडल जो कोर्स कोड होगा MEC-106 जिसका टाइटल है पब्लिक इकोनॉमिक्स और ये इग्नू एमए इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है और इस मॉडल में टाइबॉट मॉडल के पर डिस्कस करेंगे। आखिर टाइबॉट मॉडल होता क्या है मेरे दोस्त, ये समझना पड़ेगा। टाइबॉट मॉडल बेसिकली ये रिलेटेड है प्रोविजन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकल पब्लिक गुड्स। अब लोकल पब्लिक गुड्स क्या होता है भाई, लाइट हो गया आपके स्क्रिप्ट, मैंने जो लोकल पब्लिक गुड्स में बहुत सारे चीज़ आ गया, लाइट आ गया, प्लस आपका जो कूड़ा फेंकते हैं वो गाड़ी आता है वो भी लोकल पब्लिक गुड्स में आएगा, फिर आपकी जो मोहल्ले की सड़क है वो भी लोकल पब्लिक गुड्स में आएगा। तो ये किस पर आधारित है, वोटिंग बाय फीट। अब ये वोटिंग बाय फीट क्या होता है ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अजीब चीज़ है, हम लोग तो वोटिंग देते हैं हैंड से लेकिन यहाँ फीट क्या आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ वोटिंग से इस सिग्नल पता चलता है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट किसी अंडर लोकल गवर्नमेंट के अंदर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो आपका लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको आप वोटिंग बाय फीट करना पड़ेगा, मतलब उस लोकल गवर्नमेंट को छोड़कर किसी दूसरे लोकल गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा जहां पर आपके प्रीफ्रेंस पसंद के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज मिलता हो, इसी को टाइबॉट मॉडल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में होता क्या है कि प्रोड्यूसर उसी गुड्स का प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को जिसको कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स में जो भी प्रोडक्शन का एक्टिविटीज़ कैरिड आउट किया जाता है उसका एक ही पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है बिल्कुल कंज्यूमर के लाइक के अनुसार, प्रेफरेंस के अनुसार। उसी प्रकार प्रत्येक लोकल गवर्नमेंट जो हम कहते हैं यहाँ भी गुड्स और सर्विसेज उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है जिसका जो पीपल जो होते हैं उस लोकल गवर्नमेंट के ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी के अनुसार वो टैक्स वगैरह देना पसंद करेंगे। तो ये था माने टाइबॉट मॉडल का मोटा मोटी ये सारांश। अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि पीपुल अगर अपना लोकल गवर्नमेंट से संतुष्ट नहीं है तो वो अपना जहाँ पर उसको वो गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है जो उनके प्रेफरेंस के अनुसार नहीं है तो वो अपना सोशल वेलफेयर बढ़ा सकते हैं जस्ट उस लोकल गवर्नमेंट को छोड़कर किसी दूसरे लोकल गवर्नमेंट में जाकर जहां पर उनके गुड्स एवं सर्विसेज का सर्विसेज जो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल उनके प्रेफरेंस के अनुसार हो। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब मान लो हम सपोज करते हैं दो लोकलिटी हैं, एक लोकलिटी में आपका जो परिवार है उसमें ज़्यादा आपका एथी है क्या सीनियर सिटीजन है, मतलब बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, और दूसरा लोकलिटी में ज़्यादा चिल्ड्रेन है, मतलब ऐसा परिवार है जिसका मतलब ज़्यादा चिल्ड्रेन, यानी यहाँ पेरेंट्स विद यंग चिल्ड्रेन, यहाँ पर सभी के अभी मान के चलो 5 साल 10 साल शादी हुई है वो उस परिवार वाले हैं, यहाँ पर जिनकी शादी का जो मैरिज का उम्र शायद 30 वर्ष 40 वर्ष है वो सब बूढ़े हो गए हैं और यहाँ पर नया यंग वाले हैं। अब ये भी सपोज करो कि ये लोकलिटी में आपका बढ़िया बेटर एजुकेशन फैसिलिटी है, ठीक है, ए लोकेलिटी में बेटर एजुकेशन फैसिलिटी है और लेकिन लोकेलिटी बी में बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, फैसिलिटीज है। अब यहां पर क्या होगा इससे टाइबॉट मॉडल के अनुसार कि जो लोग रह रहे हैं जो लोकलिटी ए में मोहल्ला ए में उस मोहल्ला में जो परिवार है उसमें ज़्यादा सीनियर सिटीजन है उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बेस्ट हेल्थ सर्विसेज का, तो वो क्या करेंगे जो लोग लोकलिटी ए में रह रहे हैं उसको छोड़कर वो मूव कर जाएंगे लोकलिटी बी में, किस पर्पस से, माने उसका पर्पस होगा बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी गेन करना। उसी तरह जो लोकलिटी बी में जो लोग हैं वहाँ पर परिवार ऐसा है जिसमें ज़्यादा चिल्ड्रेन है तो उनका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अच्छी एजुकेशन का और अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है लोकलिटी बी ए में, इसलिए जो लोग हैं लोकलिटी बी का वो वहाँ से मूव हट कर वो लोकलिटी ए में आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार एक लोकेशन को छोड़कर दूसरे लोकेशन में दोनों जगह के लोग आ रहे हैं और अपना सोशल जो वेलफेयर को बढ़ा रहे हैं और अपनी प्रेफरेंस के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज को
इंजॉय कर रहे हैं, यही होता है, इसी को हम टाइबोट मॉडल कहते हैं, या वोटिंग बाय फिटिंग भी हो गया। अब यहाँ पर आता है, ये सर्टेन एजम्पशन पर आधारित है। यहाँ पहला एजम्पशन है कि लोग गतिशील है, मोबाइल है, डिफरेंट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन में, किसी भी लोकल गवर्नमेंट को वो जा सकता है। दूसरा जो इसका है, वो लोग अवेयर है इस बात की, पूरी जानकारी है कि किस लोकल गवर्नमेंट में कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज की फैसिलिटी है। थर्ड है, लोग जिंदा हैं अपने डिविडेंड इनकम पर। डिविडेंड इनकम ऐसा इनकम होता है जो अब पुराना वेल्थ जो संपत्ति है, मतलब हमारे बाबूजी से जो संपत्ति मिला है, मान के चलो एक बड़ा सा मॉल मिला है, बहुत बड़ा घर है जहाँ रेंट से पैसा आ रहा है, या पास्ट सेविंग है बैंक के इंटरेस्ट रेट से हमारा चल रहा है, हमारा परिवार रन हो रहा है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक लोकलिटी छोड़ के दूसरे लोकलिटी में जाने में सबसे पहला जो बाधा होगा एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम पास्ट सेविंग पर रहेंगे, किसी भी लोकेशन में रह सकते हैं, चूँकि हम इम्प्लॉयड नहीं है, चूँकि हमारा जो परिवार चलता है वो पास्ट इनकम या पास्ट सेविंग से चल रहा है, इसी को हम डिविडेंड इनकम कहते हैं। चौथा है, लोगों को ये पूरी जानकारी है कि प्रत्येक गवर्नमेंट के रेवेन्यू एवं एक्सपेंडिचर कितना लोकल गवर्नमेंट करता है। और पांचवा जो इसका एजम्पशन है, लोगों में पूरी स्वतंत्रता है, कंप्लीट फ्रीडम है कि एक लोकलिटी छोड़कर दूसरे लोकलिटी में जाने का कोई रोक नहीं सकता है, कोई तरह का बाधा नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट की बाधा है, ना ही कोई प्रॉब्लम है। अब इसमें कुछ क्रिटिसिज्म दिया गया है जो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। क्रिटिसिज्म तो इसकी आलोचना की गई है भैया, पहला आलोचना है कि ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है उसके एडवांटेज को ये इग्नोर करता है। अगर हम जैसे आप यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका से समझ सकते हैं कि अगर हम खाना 500 लोगों को एक जगह बनाएंगे तो उसका कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम होगा, वही खाना को अगर हम 10 लोगों को बनाएंगे तो उसका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एक सिंगल अथॉरिटी, सिंगल गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है किसकी तुलना में, बहुत सारे डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट की तुलना में, अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोकल गवर्नमेंट की तुलना में, ठीक है। दूसरी इसकी आलोचना की जाती है भैया, इसमें इक्विटी समानता का डायमेंशन की इग्नोर करता है। अगर लोगों को उसकी प्रिफ्रेंस लाइक के अनुसार अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर रेशियल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, डिवीजन पीपल में, इनकम के आधार पर लोगों में भेदभाव होना शुरू हो जाएगा। तीसरी जो इसकी दी जाती है, तीसरी में इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोग लोकल जो कंसेप्ट होता है लोकल पब्लिक गुड्स का, उसमें बिलीव नहीं करते हैं, कुछ नेशनल राष्ट्रवादी लोग होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी एग्री नहीं होंगे जो इसकी लोकल गवर्नमेंट की यूजफुलनेस, इसको एक टैक्सेशन के रूप में हम इस्तेमाल करें जिससे हमको पता चले, ये सिग्नल दे रिलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डिसएग्री होंगे कि लोकल गवर्नमेंट पर उनका बिलीव नहीं होता और लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से वो टैक्सेशन करना नहीं चाहेंगे, और ये सिग्नल भी नहीं देता है कि एक लोकेशन से मूव करें दूसरे लोकेशन में। और चौथा जो इसमें कहा गया है कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, प्लस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट, डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट होती है। अकाउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा गवर्नमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने लोगों के लिए। दूसरी बात है, इसमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये कोऑर्डिनेट करना रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सभी गवर्नमेंट का अपना कंप्लीट राइट होता है अपने रेवेन्यू सोर्सेस को बढ़ाने का, एक्सपेंडिचर करने का, यह कंप्लीट राइट्स होता है। तो ये जो भी थ्योरी है ये डेवलप्ड नेशन पर आधारित है। हमारे यहाँ जो फेडरल गवर्नमेंट होती है तो वहाँ तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो लोअर लेवल पर आपका लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फिर लोकल गवर्नमेंट का फर्दर इसका डिवाइड डिवीजन होता है, वार्ड में हो जाएगा, पंचायत में हो जाएगा। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटी गवर्नमेंट, ये अपने आय
के लिए कंप्लीटली किस पर निर्भर करती है, अपने ऑन स्टेट गवर्नमेंट पर। जैसे झारखंड का वाला है तो झारखंड का जो लोकल गवर्नमेंट होगा झारखंड स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करेगी और स्टेट गवर्नमेंट सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट पर करती है। तो इसी तरह है, मैंने इस वीडियो में बताने का ये प्रयास किया हूँ कि टाइबॉट मॉडल को सिंपल भाषा में ये है कि जब आपको जिस गवर्नमेंट जिस म्यूनसिपल्टी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पर आपके पसंद के गुड्स एंड सर्विसेज लाइट वगैरह एजुकेशन फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़कर आप अपना सोशल वेलफेयर कब बढ़ा सकते हैं, जब उसको छोड़कर किसी दूसरे लोकल गवर्नमेंट में चले जाए। जैसे हम हजारीबाग म्यूनसिपल्टी एरिया में रहते हैं, अगर यहाँ पर हमारे अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज जो हेल्थ एजुकेशन नहीं मिलेगा इसको छोड़कर अगर हम रांची मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो और वहाँ पर रांची में जो चीज़ हम चाह रहे हैं हमारे अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज लोकल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है तो इसी को हम टाइबॉट मॉडल कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा तरह से समझ आ गया होगा और आप इसको प्रिफर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टेलेंट। जय हिंद।